हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडगेटवर्क। आज हम आपसे एक बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब के बारे में है, जो कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO के पोस्ट पे है। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, PX ऑफिसर रैंक की जॉब है। एंड लास्टली, इसकी वैकेंसी 2016 या 2017 में आई थी। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बात करेंगे। पहला, फॉर्म डिटेल्स, दूसरा एलिजिबिलिटी, तीसरा एग्जाम पैटर्न एंड फोर्थ इज ऑफ प्रिपरेशन। ये जॉब वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब है, जो कि ग्रेड 2 कैटेगरी की जॉब है। इसमें टोटल 2000 सीट्स अवेलेबल हैं एंड कैटेगरीज ये हैं। इसमें आप अनरिजर्व SC ST कितनी सीट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 2021 है। आप इन दो वेबसाइट MHS.gov.in एंड NCS.gov.in पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी सैलरी 55,000 to 60,000 पर मंथ से लेके 1,45,000 to 50,000 पर मंथ तक हो सकती है। एग्जाम फीस जनरल OBC एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए 600 होगी एंड SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस है। एंड ये एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे आपके एग्जाम्स हेल्ड होंगे। नाउ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कोई भी ग्रेजुएट पर्सन किसी भी स्ट्रीम से है वो अप्लाई कर सकता है। एंड इसमें कोई पर्सन का कोई रूल नहीं है, आपका कितने भी परसेंट ग्रेजुएशन है कहीं भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC के लिए 3 ईयर्स। एंड बाकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सो इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। इफ यू आर रेडी देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें 3 टीयर में एग्जाम होंगे। टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टीयर 1 टीयर 2 आपका होगा टीयर 3, जो कि आपका इंटरव्यू होगा। एंड आपके फाइनल मेरिट जो होगी वो आपके तीनों टीयर के मार्क्स को टोटल करके बनाया जाएगा। बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। टीयर 1 का एग्जाम बहुत ईजी होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप टीयर 1 का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आप इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम आपको 1 आवर्स रहेंगे। इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ, GK, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। टीयर 2 के एग्जाम में जो है वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे राइटिंग आएगा, जो कि एसे राइटिंग 30 मार्क्स का होगा एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का होगा। एंड आफ्टर क्लियरिंग ऑफ टीयर 1 टीयर 2 आप टीयर 3 में पहुंचेंगे, जो कि इंटरव्यू प्रोसेस है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। यानी टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 250 मार्क्स का होगा टोटल ऑल टीयर्स। लाइक जो नॉर्मली गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब कि आपके हर मार्क्स अलग अलग लिए जाते हैं। बट इसमें आपके तीनों मार्क्स का टोटल ही आपके मेरिट में आएगा। सो आप बहुत ही ध्यान से इसका पेपर दीजिएगा। एंड नाउ हम अपने लास्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, जो कि प्रिपरेशन है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आप इस वेबसाइट के थ्रू मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। एंड फॉर मोर प्रिपरेशन वेबसाइट्स एंड अगर आपको वैकेंसी की कोई और डिटेल्स जाननी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। That's all from this video. I recommended you to fill up this form. It's a very good job. Go and apply for this. Thanks for watching.